ये तस्वीर है तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस की, जहां एयरफोर्स की ओर से सुखोई 30 की 2022 टाइगर शॉर्क स्क्वाड्रन की तैनाती की जा रही है। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में सामरिक मोर्चे पर मजबूती के लिए भारतीय वायुसेना ने यहां अपने घातक फाइटर जेट सुखोई 30 की तैनाती कर दी है। इस खास मौके पर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयरफोर्स चीफ भदौरिया समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तंजावुर में तैनात किए गए सुखोई फाइटर जेट बेहद घातक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। तंजावुर में सुखोई की तैनाती के बाद इस खास मौके पर मौजूद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि देश की सभी डिफेंस सर्विसेज को किसी भी एक्शन के लिए तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल किसी भी स्थिति का पूर्वानुमान लगाना कठिन है, लेकिन हम खुद के सामने आने वाली हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब आप इशारा तो समझ ही गए होंगे। जाहिर है ऐसे गोपनीय मसलों को कोई भी सरकार और सेना के अधिकारी सार्वजनिक करने से बचते हैं। सुखोई की तैनाती से पहले तमिलनाडु के कोयम्बटूर एयरबेस पर तेजस विमानों का एक स्क्वाड्रन मौजूद है। ऐसे में तंजावुर में सुखोई के बेड़े के मौजूद होने से दक्षिण भारत में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगने वाले तटीय इलाकों की सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी। बहरहाल सेना की ये मुस्तैदी और मोदी सरकार के मंत्रियों द्वारा बार बार पीओके का गाए जा रहे राग से सोशल मीडिया पर हलचल इस बात की है कि कहे कुछ तो बड़ा नहीं होने वाला है।